मैक्सिमम वैल्यू वी इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा ए. ओके, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्सेलेरेशन देन कहाँ से स्टार्ट होगा? ए से ही नीचे नीचे. नेगेटिव. वेरी गुड. इक्वेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी इन टर्म्स ऑफ एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स मैक्सिमम वैल्यू ओमेगा स्क्वायर ए प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर ए. चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ विद इन अ मिनट. कल वैसे सॉल्व किया था तुमने. जल्दी क्या गिवन है? एम्पलीट्यूड गिवन है. टाइम पीरियड गिवन है. इफ टाइम स्टार्ट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट द सेंटर ऑफ द ऑसिलेशन लाइक एक्स इज इक्वल टू जीरो देन कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन. फ्रीक्वेंसी इज गिवन बाय 1/T 1/4 0.25 हर्ट्ज. डिस्प्लेसमेंट गिवन बाय एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी. पुट द वैल्यू टी इज इक्वल टू 0.5 सेकेंड. यू विल गेट योर आंसर. द मैक्सिमम एक्सेलेरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड बाय ए मैक्सिमम ओमेगा स्क्वायर. वेरी गुड. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा हियर? 2π/T. वेरी गुड. एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टी? 4. देन द वैल्यू ऑफ ओमेगा इज 0.5π² × 5. 5 इज ए. द वेलोसिटी एट डिस्प्लेसमेंट 3 cm इज गिवन बाय वी इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा ओमेगा ओनली अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. सॉल्व द क्वेश्चन. ये भी क्वेश्चन कल सॉल्व किया था, फिर से रिवाइज हो रहा है. ये पार्टिकल एग्जीक्यूट SHM फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन. एक्सट्रीम पोजीशन से एग्जीक्यूट हो रहा है देन द इक्वेशन ऑफ द ए कॉस ओमेगा टी. वेरी गुड. ए कॉस ओमेगा टी. वेरी गुड. एंड द मैक्सिमम इज गिवन बाय द पोजीशन एंड द कवर्स अ डिस्टेंस इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड देन वाई इज इक्वल टू ए बाय 2. वेरी गुड. ए बाय 2. नाउ टेल मी फास्ट द एंगल. एनीवन? हाफ कितना होता है? कॉस पाई बाय 3. कॉस ओमेगा टी. ओमेगा टी इज इक्वल टू 30. टी की वैल्यू कुछ दी है यहाँ पे? 1 सेकेंड. 1 सेकेंड. तो कॉस पाई बाय 3 इज इक्वल टू कॉस ओमेगा. वैल्यू ऑफ ओमेगा इज पाई बाय 3. फाइंड क्या करना है? टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 6 सेकेंड. सॉल्व द क्वेश्चन फास्ट. कैसे करेंगे सर? टी की वैल्यू क्या आई थी? 6 सेकेंड. कैसे करेंगे? एम्पलीट्यूड ऑफ अ हार्मोनिक ऑसिलेटर इज ए व्हेन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज हाफ ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी देन डिटरमाइन पोजीशन ऑफ द पार्टिकल. वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल क्या दिया है? हाफ ऑफ द मैक्सिमम. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल? ओमेगा ए. नो, वो मैक्सिमम होता है. वेलोसिटी का ये होता है इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? मैक्सिमम ए ओमेगा बाय 2. क्या आएगा आपके पास? ओमेगा से ओमेगा कैंसिल. ए स्क्वायर दोनों तरफ स्क्वायर किया देन 4 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. सॉल्व द इक्वेशन. एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4. एक्स की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 3 ए बाय 2. सॉल्व द क्वेश्चन. The particle is executing SHM on a line 4 cm long. If its velocity at mean position is 12 cm per second, then determine the frequency. कल ये सॉल्व किया था दिव्या तुमने. बताओ इसका आंसर. Yes. याद होना चाहिए इतनी देर में तो. सर इसमें 2 cm लेंगे ये पता है. क्या लेंगे 2 cm? Distance. Distance नहीं होती वो. Amplitude. Displacement. Displacement दिया है ना 4. जैसे ये अगर मान लो ये है कि यहाँ तक जा रहा है एक्सट्रीम पे यहाँ तक जा रहा है. ये कितना दिया है? 4. तो एम्पलीट्यूड कितना आ गया इसका? 2. ए कितना आ गया? 2. वी मैक्सिमम कितना होता है? ए ओमेगा. ए कितना है? 2. ओमेगा कितना है? 2π n. ये होता है ओमेगा इज इक्वल टू 2π n ना. एंगुलर फ्रीक्वेंसी इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वी मैक्सिमम कितना दिया है? 12. तो एन आ जाएगा 3/π हर्ट्ज. 3/π. यस सर. सॉल्व द क्वेश्चन फास्ट.
राइट डाउन द क्वेश्चन द रेशियो ऑफ राघव अभी तुम्हारी विजिबल है वो सर लोड है और हमारा ओके द रेशियो ऑफ हां सर मैंने अपडेट भी कर लिया उसके बाद भी नहीं हुआ चलो कोई बात नहीं मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं उसे सुनो द रेशियो ऑफ वेलोसिटीज ऑफ पार्टिकल इन SHM एट x is equal to a by 3 and x is equal to 2a by 3 will be I repeated the question the ratio of velocities of particle in SHM at x is equal to a by 3 and x is equal to 2a by 3 x equal to a by 3 and x is equal to 2a by 3 right yes इसे try करो सर इसमें omega equal होगा ना दोनों का तो कैसे रीजन बताओ हो हाँ इक्वल होगा वो तो रीजन तो बताओ क्यों क्योंकि वो एक ही तो उसी की पार्टिकल की बात कर रहे हैं अलग अलग पोजीशन पे है वो पार्टिकल तो एक ही है तो वेलोसिटी का रेशियो निकालना है ना हाँ वेलोसिटी का रेशियो निकालना है अगर पोजीशन एक है आपकी a बाय थ्री और दूसरी पोजीशन है 2a बाय थ्री ठीक है Now next topic is energy of particle in SHM. Root 8 is to root 5 sir. Kitna? Root 8 is to root 5. Oh, root A is to root 5. Yes, haan, yehi hai iska. Uske baad energy of particle in SHM. SHM ke andar particle ki energy kaun si hogi? First of all, we are talking about the potential energy represented by U or PE, PE potential in terms of displacement. ठीक है इन्हें हम इन टर्म्स ऑफ टाइम और इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट दोनों की उसमें टर्म्स में हम फाइंड करेंगे लाइक हम कैसे करते हैं सपोज ये आपकी पोजीशन है पार्टिकल की मोशन की इस तरीके से मोशन कर रहा है आपका पार्टिकल हाँ बोलिए सर ये रेशियो जो वेलोसिटी इसका निकालने बोला है इसमें फॉर्मूला ये लगे ना v इक्वल टू ओमेगा ए नहीं मैक्सिमम थोड़ी दिया है v इज इक्वल टू ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लगेगा ओमेगा स्क्वायर बी इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर सर रूट 8 बाय 9 आंसर आंसर निकालो इसका क्या है रूट 8 बाय रूट 9 मैं इसको सॉल्व करके बताऊंगा फिर आंसर स्काइप पे बता दूंगा क्या आंसर रहेगा इसका ठीक है ठीक है हेलो यस सर बता दूंगा मैं इसका आंसर आएगा शायद मैं सॉल्व ही कर लेता हूं बी इज इक्वल टू ए ए कितना आया ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अगर इसकी वैल्यू रखे ए स्क्वायर बाय थ्री तो इधर आ जाएगा नाइन ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो अंडर रूट एट अंडर रूट फाइव यस दैट्स द आंसर दैट्स द आंसर अंडर रूट एट अंडर रूट फाइव